बरकात हो। मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार है, मस्जिद अहमद रहमतुन्निसा के बाजू का रहता हूँ। मैं भी पड़ोसी मस्जिद का बराबर प्रॉपर नमाज़ पढ़ता हूँ। मैं परसों एक हादसा हुआ मस्जिद में, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, अहले हदीस या अहले सुन्नतुल जमात की कोई आपस की बात नहीं है, छोटी बात का बड़ा फसाना बनाया जा रहा है। बाद फजर की नमाज के बाद सलाम हुआ स्पीकर पे और उसके बाद दफ बजाया जा रहा था मस्जिद में। जो हमीद भाई रिपोर्टर साहब हैं उन्होंने एतराज़ करे कि भाई मस्जिद में दफ क्यों बजाया जा रहा है। उस पर बहस हुई, यानी हमीद भाई के वाइफ के ऊपर कुछ नाजिबा बात की गई है। जो इमाम थे मस्जिद के, खादर साहब नाम है उनका, छोटी बात पे बड़ी बहस हुई, कोई ऐसी बात नहीं है। अब उसमें अहले हदीस अहले सुन्नत का मसला उठाया जा रहा है, जो बहुत ही गलत बात है। आपस का मसला है, मस्जिद का है, मस्जिद के ज़िम्मेदारान भी आए थे, बात ख़त्म हो गई ऑलरेडी, लेकिन फिर भी उछाला जा रहा है, जो बहुत गलत बात है। मस्जिद का मसला है, मस्जिद के पड़ोसियों का ख्याल का मसला है। बराए मेहरबानी इस मसले को ज़्यादा फैलाओ नहीं भाई, जो जो भी देख रहे हैं ये सुलझ जाएगा, ऑलरेडी सुलझ गया है, कोई बड़ा मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, मस्जिद के फाउंडर हैं, मुतवल्लियन हैं, सब मिलके एक मिनट। रहमतुल्लाहि बरकातु, मैं रेशमा खान, पहाड़ी शरीफ, राजीव गांधी नगर, अहमद रहमतुन्निसा मस्जिद के बारे में कुछ अफवाहें उड़ाए जा रही है क्राइम रिपोर्टर हमीद के नाम से। दरअसल ये लड़ाई है छिड़म छड़ी की, इसके रुख कुछ और दिया जा रहा है। हम लोग 2-3 दिन से सिर्फ देख रहे थे कि लोग कहाँ तक जाएंगे, क्या तमाशा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे खिड़की है, आप देखिए यहाँ पे एक मस्जिद की खिड़की है जो हमारे अपोजिट डोर के सामने है। हमारे घर में जवान बच्चियाँ हैं, हम ये चीज़ के लिए इतराज़ करें कि आप लोग ऐसा मत ठहरो, मत झाको। फिर इसके बाद रमज़ान का महीना था, अच्छा नहीं लगता कुछ तमाशा करना, ज़िम्मेदारों को ही मस्जिद के बोल दिए, हो गई थी बात। नमाज होती है फजर में, इसके बाद सलाम होता, फिर इसके बाद धपड़ा बजाना शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक धपड़ा ला रहे, बजा ले रहे, छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप जमा किया जा रहा है, चीख पुकारा 7:30 तक कर रहे। हम लोग सिर्फ इतना बोले कि देखिए हम लोग नमाज पढ़े, अब कुरान पढ़ने दीजिए, हमको इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप लोग माइक लगा के, मत करिए। नमाज ठीक है, सलाम पढ़ना ठीक है, मगर धपड़े उपड़े क्यों बजा रहे, सोने दियो हमको, हम लोग भी सहरी करते हैं, आप लोग ही मुसलमान नहीं है। जा हमारे हस्बैंड जगह हमीद जाके वहाँ पर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, वो तो वीडियो निकाले, बच्चा जो धपड़ा बजा रहा था उसकी वीडियो है, वीडियो निकाल के लाए तो क्या कर रहा है, वीडियो निकाल रहा क्या करता, दाल जाओ तेरी मीडिया क्या उखाड़ लेती, तू क्या उखाड़ लेता, जो करता कर, बोल के गैर गलत अल्फाज यूज़ करा रही। यूज़ करने के बावजूद मैं उनको घर पे इसलिए बुला रही, आप आ जाइए, चुप कैकू लौंड बच्चा है, उसके मुँह को क्यों लग रहे हैं आप, मैं समझा के बोलती हूँ। बोल के फिर मैं जाके उसको समझा के ये बोली, देखो माँ आप थोड़ा सोने दो हमको, नमाज हो गई, सलाम हो गया ना, धपड़े उपड़े क्यों बदमाशी का बजा रहे हैं आप, छेड़म छाड़ी का हम लोग इससे पहले आपको जिक्र कर रहे थे, आपको समझाए थे, उस वजह से आप ये दिल में रख के क्यों तमाशा निकाल रहे हो। उधर जागे जा क्या उखाड़ लेती उखाड़, उन्हें सोना नहीं, हम लोग काम पे जाने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, वो तो दोपहर में सो, सुबह सोना तेरा ज़रूरी है, हाँ जाती नहीं माँ की ओड़ी बगैर गलत अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। खैर ये बात मैं 100 को डायल करके यहाँ पर पुलिस को बुलाई, पुलिस आई बाद बाहर निकला, उन्हें लॉक करके अंदर ही बैठा था, बाहर निकल के आया, आके ये बोला कि साहब आप मेरे को नहीं पहचानते। तो पुलिस वाले ये बोले, पहचानते रहे भाई, तू गलत करा तो गलत है ना, क्यों तकलीफ दे रहा, नहीं पहचानते तो पहचान लेके हम क्या करेंगे। इसके बाद इन्हें मेरा हाथ पकड़ा, जा बहन के लिए जाके आखाड़ती उखाड़ दे, पुलिस वाले तो इशारी कर रही क्या बोल के, क्या सुना लेती थरी बोल के, हाथ पकड़ के गाली दे के ढकने की वजह से मैं इसको मारने गई, अभी मारी नहीं मारने गई, क्योंकि मेरा हाथ पकड़ा, हमारे घर पे हमारी इज्जत पे हाथ डालेंगे तो हम तो करेंगे ना, इमाम है तो ना किसी पे हाथ डाल सकता या गाली गलौज कर सकता, किसी की लड़कियों को छेड़ सकता है, ये मैटर इसको रुख कुछ और दिया जा रहा है कि ये वहाबियाँ अहले हदीस की लड़ाई है, अहले हदीस और सुनियों की लड़ाई बना रहे हैं इसको, इसको कुछ और मोड़ देना चाह रहे हैं ये लोग, इश्यू इसका बहुत बड़ा कर रहा है। बच्चे का बाप जाहिल है, अनपढ़ गंवार है, अनएजुकेटेड लोग ऐसे ही होते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमको मालूम है ये अल्लाह का घर है, नमाज तो सभी पढ़ते हैं, सलाम तो सभी पढ़ते हैं, इबादत तो सभी करते हैं, इसको कुछ और मैटर बनाया जा रहा है, ये वहाबियाँ सुनिया बकिंग को लड़ाया जा रहा है, इसका इशू इसमें बदला के उन्होंने दिमाग से अपने बेटे की
बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो छेड़मचाड़ी, ऊपर से गाली गलौज, हाथ पर पकड़ के बदतमीजी करने के इशू को, ये बात को उठा के इन्हें बहुत बड़ा इशू बनाना चाह रहे हैं। ना तो ये अहले हदीस की है, ना तो ये सुन्नी की लड़ाई है, अल्लाह का घर है, किसी की कोई लड़ाई नहीं है मेरे भाई। ये सब गलत अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं। ये लड़ाई बच्चे के कैरेक्टर अच्छे नहीं है, बच्चे के तरफ से हुआ, इसका बाप जाहिल गवार आके यहाँ पे तमाशा कर रहा और वीडियो हमारे घर की निकाल रहा, निकाल के ये वीडियो निकाल के ये ग्रुपों में डाल रहा और वीडियो निकाल के पर्सनल व्हाट्सएप कर रहा कि हमीद के जवान बेटियों पे चढ़ो जाओ, बल्कि ऐसे गंदे अल्फाज यूज कर रहा। और हम अगर इसकी वीडियो की पूरी, हमारा वीडियो है इसका, हमारे घर पर कैमरे लगे हुए हैं, फोटोज है हमारे पास, प्रूफ वीडियो से हमारे हर चीज़ का एविडेंस है। और पब्लिक को जमा करके ला रहा, गंजे टीम को और छोटे छोटे बच्चों की टीम जमा करके ला रहा, पूरे घर की सुबह शाम वीडियो निकाल रहा, तमाशे कर रहा, गलत गलत बातें कर रहा। और मेरे को जो है सो मैं टेरेस पर जाकर कपड़े निकाल रही थी तो ये बोल रहा था कि तू रहना आगे ये पहाड़ी में, न तो मैं रहना, तेरा जाति घर है तो तू बेच के जाना, किराया है तो खाली, किराए का है तो खाली करके जाना। बच्चे का नाम खादर है, उसके बाप का नाम जाहिल का वो नहीं मालूम, एक नंबर का जाहिल है। ये अल्लाह का घर है मेरे भाई, गलत इश्यू बनाया जा रहा है। चल मीडिया वाले मिर्ची मसाला लगा के इसको बहुत बात फैला रहे हैं, ये गलत बात है। ये चलन वो चलन, ये मीडिया वालों का काम है एक दूसरे की खिंचाई करना, दो तरफ का नहीं देखे, वन साइड का डाले, ये बहुत गलत है। जो भी वन साइड ये डाले, जो वायरल गलत कर रहे हैं न्यूज, इंशाल्लाह ताला उनको साइबर क्राइम में हम केस करेंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी। पहाड़ी शरीफ में FIR भी दर्ज करा चुके हैं, देखिए ये FIR कॉपी है, हम लोग FIR उस पर कराए हैं। इमाम को मारे, इमाम को मारे एक इशू बनाया जा रहा है, इमाम की हरकत नहीं दिखी जा रही है। लड़का है 20-21 साल का, और बनाने वालों को भी ख्याल होना चाहिए, जिम्मेदारों को इस मस्जिद के, इतने कम उम्र के लड़के को, इतने बदतमीज लड़के को कैसा इमाम इमाम बनाया जाता है, बोलिए आपको जिम्मेदार इंसान की जिम्मेदारी नहीं है ये कोई उम्रशुदा लड़के को रखने के यहाँ पे। ये गलती ये इन लोगों की है सर, पहले तो लौंड बच्चों को रखे तमाशा ये लोग कर रहे हैं। ये कमेटी बनाना आप लोग, अच्छी उम्रशुदा लोगों को रखना, बात करने का जो तरीका नहीं है, तमीज़ नहीं है, तहमीज़ नहीं है, उसको रखे आप लोग। हम लोग भी FIR करें, हम लोग भी इसके ऊपर एक्शन पुलिस वाले इंशाल्लाह लेंगे। अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी जस्ट हम लोग कंप्लेंट दे के आए हैं, FIR हम भी बुक करा रहे हैं, वो लोग भी कराए इमाम पे। ये बच्चा ऐसे रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करने की वजह से, इस पर हाथ उठा, हाथ पकड़ने की वजह से, गालियाँ देने की वजह से, ना तो ये मस्जिद का है, ना तो सुन्नी और अहले हदीस वालों का है, कुछ और मोड़ दिया जा रहा है। ये जाहिल इसका बाप अपने बेटे को बचाने के लिए दिया जा रहा है। मस्जिद के फाउंडर्स भी यहाँ पे आए, आके सारी जानकारी करे क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद वो लोग भी शर्मिंदा हुए, यहाँ के सारी वीडियोस और फोटोज देखे जो सीसी कैमरे में आ चुके हैं, ये सब देख के लोग भी शर्मिंदा होके वो लड़के को जो इमाम था यहाँ से, ये मस्जिद से हटा गया है, हटा दिए, खादर को हटा दिया, अभी मस्जिद से उसको कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ से हटा दिए। लड़का सही भी गलत है, हमारे से गलती हुई, सही है आप लोग, आप लोगों ने हर चीज़ है, हम कुछ गलत समझे थे बोल के, मगर इसका बाप जाहिल किसी को समझने तैयार नहीं है, यहाँ के काउंसलर की समझने तैयार नहीं है, यहाँ के सरपंच को समझने तैयार नहीं है, पुलिस की बात समझने तैयार नहीं है, अपना ही बकवा करता, अपना ही बकवा करता। थोड़े इसके बाप के दिमागी तवज़ुन सही नहीं है, जब पागल है वो थोड़ा सा, अपना ही भोगते रहता हो रही है सुन्नी और अहले हदीस बोल के, बहुत गलत इशू बनाया जा रहा है। अपने बेटे को बचाने के वास्ते ये नीच आदमी अल्लाह का घर का इस्तेमाल कर रहा है।